खबर जबलपुर से है, जहां बाइक चुराकर 4,000 रुपए में बेचने वाले 5 आरोपियों को बरेला की गौर चौकी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 7 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। गौर चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा के मुताबिक हाईवे पुल के नीचे बाइक MP20 MH 1056 लिए खड़ा व्यक्ति बेचने की बात कह रहा था। बाइक की कम कीमत के चलते लोगों को संदेह हुआ और पुलिस को खबर दी। इसके बाद मौके पर दबिश दी गई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पहचान बिलहरी निवासी विकास ठाकुर के रूप में हुई। मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर कोई कागजात पास में न होना बताया। सघन पूछताछ करने पर उक्त मोटरसाइकिल गौर स्थित कलारी के पास से चोरी करना बताया। आरोपी ने एक और बाइक घर में रखना बताया है। 2 बाइक आरोपी ने चुराकर बलराम यादव को 4,000 रुपए में बेच दिया था। एक बाइक साथी रोहित चौबे के साथ गारीघाट से चोरी करना उसने बताया। उक्त बाइक रोहित के पास से पुलिस ने जब्त किए। उक्त 3 बाइक उनके घर से जब्त किए। आरोपी विवेक तिवारी से बिना नंबर की बाइक और अमित तिवारी से बाइक MP20 MN 6557 जब्त किए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 7 चोरी की बाइक जब्त की। चारों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। गौर चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा के मुताबिक आरोपियों ने ओमती, गोरा बाजार, गारीघाट और बरेला से 4 बाइक चुराई हैं। चारों में चोरी के प्रकरण दर्ज हैं और इनके वाहन स्वामियों का पता चल गया है। जबकि 3 बाइक आरोपियों ने इंद्राना, मझौली, सहपुरा व रांची से चुराना बताया है। तीनों ही थानों में प्रकरण दर्ज नहीं है। चेचिस नंबर के आधार पर मालिकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।